हेलो दोस्तों, मैं हूँ राजेश। आप देख रहे हैं एशियन टेक्नोलॉजी। इस चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था स्टेप आर्गुमेंट, किस तरीके से ये स्टेप आर्गुमेंट काम करता है। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं बहुत इजीली कि किस तरीके से इसे हम बैक साइड से उसे प्रिंट करवा सकते हैं। बहुत आसान है ये, आपको कुछ भी नहीं लिखना है यहाँ पर, आप माइनस में आना है आपको। चलिए मैं माइनस वन आता हूँ। जब आप माइनस वन लिखेंगे तो क्या होगा, स्टार्ट कर दे भाई शुरू से, अब एंड कर दे कहाँ तक, जब तक ये ख़त्म ना हो जाए। अब कहाँ से जाना है, ये माइनस का मतलब कि बैक आना है पीछे से। तो अब क्या होगा, ये सारा पीछे से प्रिंट हो जाएगा ये सारा। करके देखते हैं, ये देखिए बहुत इजी है ना। लेकिन अगर हम, क्या बात है कि अगर हम यहाँ पे टू लिख दें, अब देखो बड़ा इंटरेस्ट होने वाला है। ये देखो क्या हो रहा है कि ए आ रहा है, ई आ रहा है और यच आ रहा है। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे ई आर ए आ रहा है, नहीं नहीं उल्टा हो गया, बैक हो रहा है ना, तो पीछे जाएगा। यच आ रहा है पहले। अब टू का मतलब क्या है कि एक को जंप कर जा, लेकिन माइनस का मतलब क्या है कि पीछे से आके जंप कर भाई, आगे से नहीं जंप करना तुझे। तो इंटरेस्टिंग है ना। अब टू का मतलब कि पीछे से जंप आ जा, लेकिन जंप ए माइनस से बोल रहा है कि भाई तू पीछे से आ, और ये बोला कि जंप करूँगा मैं, कितना करूँगा एक करूँगा। तो एक प्रिंट कर दी इस आज, और उसको मैंने एस को जंप कर दिया, फिर ई को प्रिंट कर दिया, फिर जे को जंप कर दिया, फिर ए को प्रिंट कर दिया, फिर आर को जंप कर दिया। अगर क्या बात है कि मैं यहाँ पे अगर थ्री लिख दूँ, अब क्या होगा, एग्जाम्पल यहाँ पे देते रहते हैं आपको। तो थ्री हो गया तो क्या होगा, स्टार्टिंग भी जहाँ से है वहीं से कर दे, और एंडिंग भी जहाँ से वहीं से कर दे, है ना। इसका कोई मसला नहीं है, अभी सिर्फ यही हम सिखा रहा हूँ आपको। तो माइनस बोलेगा कि भाई तो पीछे से जाना है, यानी कि आना है पीछे से, लेकिन कितने करना है जंप, टू करना है। तो क्या करेगा, पहले प्रिंट कर देगा एच को, यहाँ पे कर दिया, फिर एच के बाद में एच दो जो है ना, ई और एच, ये दोनों को जंप कर देगा, क्योंकि यहाँ पे थ्री है तो टू को जंप कर देगा। फिर प्रिंट कर देगा जे को, समझ आया ना। एक प्रिंट किया, दो जंप किया, फिर एक प्रिंट किया, फिर इसको जब जम कर दिया, यानी कि हमारा आंसर सिर्फ इतना ही होगा। कंट्रोल यस, ये देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग है ना भाई। अगर क्या बात है कि मैं यहाँ पे जंप फाइव करवा दूँ, अब क्या होगा कि यानी कि फोर फोर जितना है ना, फोर जंप हो जाएगा, यानी कि पहला प्रिंट हो जाएगा यच, तो फोर जंप जंप हो जाएगा, ये सारा जंप हो गया। तो कितना पे आ गया, आर पे आ गया। अब इस आर का फिर फोर जंप होगा, तो कुछ वहाँ पे है ही नहीं, तो जंप कहाँ से हो सकता है भाई। ये कुछ नहीं लिखा था यहाँ पे, ये देखिए इंटरेस्टिंग है ना ये चार। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आप ऐसे आप इसके साथ खेलते रहो। आप किस तरीके से आप लिखना चाहते हो ना, आप लिखते रहो, इंजॉय करते रहो, बहुत मज़ा आने वाला है। तो मुझे उम्मीद है आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक कमेंट और शेयर कर दीजिए, अगर पसंद नहीं आया है तो डिसलाइक और जो करना हो करो यार भाई, क्या मैं बताऊँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, गुड बाय।